अब हमें देखना है अगली एक्सरसाइज में त्रिभुज का कोण योग गुण। देखिए फिर से और एक बार, त्रिभुज की बात की जा रही है ना, और त्रिभुज तो हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, उसके बाद में क्या बोला, कोण, कोण और योग, और फिर उस योग का क्या गुण है, ये हमें यहाँ पर समझना है। मान लिया जाए कि मेरे पास में एक त्रिभुज है, चलिए मैंने एक त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज की बात की है, कोण की बात की है, कोण और योग की बात की है, तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, एक कोण और एक हो गया दूसरा कोण और तीसरा ये वाला कोण हो गया, और ये तीनों कोणों का अगर योगफल कर दिया जाए तो फिर क्या गुण प्रकट करता है, इसके बारे में हमें अगली प्रश्नावली में क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखना फिर से और एक बार। यहां पर ये बोलना चाह रहा कि भाई त्रिभुज में जो तीनों कोण होते हैं आंतरिक कोण, तो इन कोणों के योगफल का कुछ एक कोई विशेष गुण होता है, और उसी विशेष गुण के बारे में हमें यहां पर समझना है। तो मेरे पास में यहां पर मान लिया ये एक त्रिभुज है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि इस त्रिभुज के दो त्रिभुज बना देता हूं। देखिए मैंने क्या किया, दो त्रिभुज बना दिए, ठीक, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। आप यदि देखते हैं कि इस त्रिभुज को अगर मैं इस त्रिभुज के ऊपर रखता हूं, देखिए मैंने क्या किया, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के ऊपर रखा, देखिए इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के ऊपर एग्जैक्ट अगर मैं रखता हूं, तो रखने के बाद में मैं ये पाता हूं कि ये देखिए मैंने बिल्कुल रखा है ऐसा। तो आपने ये देखा कि ये वाले दोनों त्रिभुजों के कोण जो है ना वो बराबर है, देखिए ये वाला कोण नीचे वाले त्रिभुज का और ऊपर वाले त्रिभुज का ये वाला जो कोण है ना वो एकदम बिल्कुल बराबर है क्या बराबर। यदि इस कोण को इस कोण के ऊपर रखूं, इस कोण को इस कोण के ऊपर रखूं, तो आप देखेंगे कि ये वाले भी कोण बराबर है, दिख रहा है, ये वाले भी कोण कैसे बराबर है, और इस कोण को अगर इस कोण के ऊपर रखूं तो ये भी क्या है बराबर है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पता चला कि ये वाले त्रिभुज के इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज में क्या हो रहा, दोनों त्रिभुजों में क्या हो रहा कि ये कोण और ये कोण कैसा है, बराबर है, इस कोण के बराबर ये कोण है, यदि इस कोण के बराबर क्या है ये कोण है। और हमने इससे पहले पिछली क्लासेस में ये देखा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है ना, पढ़ा है ना आपने इससे पहले, भाई अगर इस कोण को और इस कोण को और इस कोण को तीनों कोणों को अगर जोड़ दूं मैं तो तीनों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाता है। अब क्वेश्चन हमारा ये उठता है कि त्रिभुज के क्या तीनों कोणों का योगफल सदैव 180 अंश होता है क्या। यदि मैं इस त्रिभुज को छोटा कर दूं, इस त्रिभुज को छोटा कर दूं, इस त्रिभुज को छोटा कर दूं, तो आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि इसके इस त्रिभुज के तुलना में ये त्रिभुज काफी छोटा हो गया, छोटा तो दिख रहा, कोण भी तो छोटे हुए होंगे ना, हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे, भाई इसकी भुजा तो छोटी हो गई है, कोण छोटे हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे, थोड़ा सा आप सोचिए। आपको ये मालूम है कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। आपने क्या किया, दो त्रिभुज बराबरी के थे मेरे पास में, तो मैंने इस त्रिभुज को क्या कर दिया, छोटा कर दिया, छोटा कर दिया तो इसकी भुजाएं छोटी हो गई इसकी अपेक्षा, तो कोण भी छोटे हो गए होंगे क्या, इसके बारे में थोड़ा सा देखें हम, चेक करें, हमें तो ऐसा लग रहा कि हो गए होंगे कोण छोटे, है ना, चेक करते हम। देखिए मैंने इस कोण को इस कोण के ऊपर ले गया, बड़ी अजीब सी बात हो गई, ये वाले तो दोनों कोण बराबर अभी भी है, मतलब छोटा करने के बाद में भी अभी भी दोनों कोण कैसे बराबर है। अच्छा इस कोण को और इस कोण को देखता हूँ मैं, इसको उठा के मैं यहाँ ले जाता हूँ, और आपने देखा कि छोटे त्रिभुज ने बड़े त्रिभुज के कोण को ढक दिया, इसका मतलब बराबर है। और इस कोण को भी चेक कर लेता हूँ, ये हमें एक नई बात पता चली है ना भाई, किसी त्रिभुज को आप कितना भी जूम कर दो उसकी केवल भुजाएं बढ़ती है, कोण क्या रहती है, कोण क्या रहते हैं, इसके संगत कोण सदैव बराबर रहेंगे चाहे कितना भी आप जूम कर दो, ठीक है ना। इसका मतलब तो ये हो गया यहां पर कि मैंने इस त्रिभुज को छोटा कर दिया तो भी कोण बराबर, यदि मैं क्या करता हूं इस त्रिभुज को बड़ा कर देता हूं, चलिए ये मैंने बड़ा कर दिया त्रिभुज को, अब थोड़ा सा देखते हम कि क्या इसके कोण अभी बराबर है। देखिए
इतना बड़ा त्रिभुज करने के बाद में भी कोण बराबर है इसके, और इसका ये भी कोण बराबर है, और इसका अगर ये वाला कोण देखा जाए तो ये भी कोण बराबर है। मतलब हमें ओवरऑल ये बात पता चली कि चाहे त्रिभुज कैसा भी बने, पहले तो हम मुझे भी ऐसा लगता था कि यार जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो त्रिभुज अगर छोटा बड़ा हुआ तो कोणों के माप में अंतर नहीं पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि त्रिभुज चाहे कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो इसके तीनों कोणों का योगफल 180 अंश ही होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम सिद्ध कैसे करेंगे कि ये जो त्रिभुज है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश है, कैसे सिद्ध कर सकते हैं सोचिए जरा आप। आपने पिछली क्लासेस में भी देखा है कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, और हमने कुछ अलग अलग तरीके से उसको सिद्ध भी करने की कोशिश की थी पहले, ठीक है ना। ऐसे कुछ यहाँ पर हम कुछ त्रिभुजों में हमने कुछ गुण पढ़े इससे पहले, पहले वाली एक्सरसाइज का बेसिक और दूसरी एक्सरसाइज का बेसिक, उस गुणों के आधार पर भी हम क्या सिद्ध कर सकते हैं कि तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो देखते हैं हम यहाँ पर, यदि मान लिया जाए कि कोई भी एक शीर्ष है मेरे पास में, मान लिया जाए ये वाला शीर्ष है, कौन सा त्रिभुज का नाम भी दे देता हूँ मैं, ए बी और सी, ठीक है ना, ये तीन शीर्ष है त्रिभुज के। यदि मैं इस शीर्ष से एक रेखा इस प्रकार से खींचूं कि जो क्या हो इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर हो, क्या किया मैंने मालूम है, त्रिभुज की एक कोई भी भुजा ली और इसके समांतर इसके सम्मुख शीर्ष से गुजरती हुई एक सरल रेखा खींच दी मैंने। मतलब मुझे ये मालूम है, मालूम क्या है, मैंने खींची है इसके समांतर मैंने एक रेखा ये खींच दी। आपको ये मालूम है कि ये दोनों रेखाएं कैसी हो गई, समांतर हो गई, और इस रेखा को अगर देखा जाए तो ये क्या हो गई, इसकी तिर्यक रेखा हो गई, हो गई ना तिर्यक रेखा, ये क्या हो गई इसकी तिर्यक रेखा हो गई। तो जब ऐसी तिर्यक रेखा बन गई तो फिर इसका ऐसी तिर्यक रेखा बन गई तो इसका ये वाला कोण, इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण तो एकांतर कोण होते कि नहीं, एकांतर कोण होते। इसका मतलब ये पता चल गया आपको कि ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा यदि इस तिर्यक रेखा की बात करूं मैं, इस तिर्यक रेखा की, कहने का मतलब ये इधर से कोई तिर्यक रेखा ऐसी है तो इसमें भी तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, इसका इसका ये वाला कोण सॉरी इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण ये क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब ये डबल लाइन खींच देता हूं मैं, डबल का मतलब इससे ये पता चलता कि ये और ये एक जैसी लाइन खींची है, इसका मतलब ये और ये कोण कैसा हो गया, बराबर, ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा हो गया, बराबर हो गया। आपको ये मालूम है कि ये क्या है, एक सरल रेखा है, और सरल रेखा के एक ओर, सरल रेखा के एक ओर एक बिंदु पर चाहे कितने भी कोण बने सबका योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। बात समझ में आई, ये ऐसी स्थिति बन रही है यहां पर, ये एक सरल रेखा है, यहां पर एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया। देखिए कोई भी सरल रेखा है तो सरल रेखा के एक बिंदु पर या किसी बिंदु पर एक ही ओर बने कोणों का योगफल इसका इसका और इसका कितना होता है, 180 अंश होगा कि नहीं होगा। ये पूरा राउंड आधा आधा राउंड कितना हो गया, 180 अंश हुआ कि नहीं। तो ये कैसे बना, ये वाला कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर मान लिया जाए कि एक कोण एक एक ये है और एक दो है और एक क्या है तीन है, ठीक। तो आपने ये देखा कि इस कोण के बराबर ये वाला कोण, ये एक है तो ये भी क्या होगा, एक होगा, और इस कोण के बराबर ये कोण तो ये दो है तो ये भी दो होगा, होगा। चलिए ठीक है, हम यहां पर देखने मात्र से ये बोल सकते हैं कि भाई कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन बराबर से कितना हो गया, 180 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक ही रेखा पर किसी के किसी बिंदु पर
एक और कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। चाहे आप कितने भी कोण बना दो, आप इसके कहने का मतलब ये हुआ कि मान लिया जाए ये देखिए ये रेखीय युग्म है कि नहीं है, दोनों का योगफल 180 अंश होता है। इसमें आप चाहे कितने भी टुकड़े बना दो, आप कितने भी टुकड़े बना दो, तो सारे कोणों को अगर जोड़ेंगे तो सारे कोणों को जोड़ने के बाद में क्या होगा 180 अंश होगा। तो ये तीनों कोणों का भी योगफल कितना होगा 180 अंश होगा। आपने ये देख लिया ना, देखिए इसके बराबर ये कोण मतलब कोण वन, इसके बराबर ये कोण मतलब कोण टू, और इसके बराबर यही कोण खुद, तो कोण थ्री, वन प्लस टू प्लस थ्री बराबर से 180 अंश हो गया। मतलब हमने यहाँ पर ये सिद्ध कर दिया कि तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है ना। ओवरऑल हमें यहाँ पर एक बात समझ में आई है, क्या समझ में आई है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। चाहे त्रिभुज कितना भी छोटा हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे अधिक कोण वाला त्रिभुज हो, चाहे न्यून कोण वाला त्रिभुज हो, चाहे समकोण वाला त्रिभुज हो। ये न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण वाले क्या होते हैं भाई? कोई त्रिभुज है, अगर मान लिया जाए कि ये त्रिभुज है और इसका एक कोण 90 अंश का है, तो ये समकोण त्रिभुज होता है ना, समकोण। ये छोटी छोटी बातें तो मालूम है, समकोण त्रिभुज बोलते हैं इसको, है ना। और यदि मान लिया जाए कि कोई भी कोण, सारे कोण क्या है 90 अंश से कम है, सारे कोण 90 अंश से कम है, तो इसको न्यून कोण वाला त्रिभुज बोलते हैं। क्या? न्यून कोण त्रिभुज, है ना। अच्छा, अगर कोई त्रिभुज में अधिक कोण, एक कोण अधिक है मतलब 90 अंश से अधिक है, तो इसको अधिक कोण वाला त्रिभुज बोलेंगे, ठीक। तीनों में से एक कोण 90 अंश से ज्यादा है तो अधिक कोण वाला त्रिभुज बोलेंगे। तो चाहे ऐसा त्रिभुज हो, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे कैसा भी त्रिभुज हो, ठीक, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। और यही यहां पर प्रमेय बोली है। देखिए क्या बोला है प्रमेय में, प्रमेय 6.7 क्या बोल रहा, किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश होता है, होता है। थोड़ा सा क्या है वो लिखने में, ठीक है ना, किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश होता है। मान लेते हम इसको सिद्ध करना है, प्रमेय बन गई। अभी तक जो हम बात कर रहे थे ना, हमने सिद्ध भी कर दी, प्रमेय सिद्ध हो गई। वो अभी जो बात कर रहे थे वो प्रमेय थी, अभी आ गई प्रमेय। अब वास्तव में यहां पर बोला है किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है, ऐसा अगर एग्जाम में पूछ लिया हमसे तो क्या करेंगे, कोई भी एक त्रिभुज बना लो, आपकी जैसी मर्जी है। आपने क्या किया, त्रिभुज बना दिया। इस त्रिभुज का नाम भी दे देता हूं मैं, ए बी और ये क्या है सी, ये त्रिभुज का नाम दे दिया, ठीक है। अब त्रिभुज के एक कोई भी भुजा, या तो बी सी या ए सी या ए बी, कोई भी एक भुजा, एक भुजा के समांतर, जैसे मान लिया जाए मेरे पास में बी सी है, बी सी, इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे, समांतर खींचना है जो कहाँ से जाती है, इसके सम्मुख, सम्मुख वाले, इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष से, इस रेखा के सम्मुख, सिर सम्मुख बिंदु से, सम्मुख वाले शीर्ष से होकर गुजरती है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ऐसी एक रेखा बना दी, वही काम जो अभी किया था हमने। इसका नाम दे देता हूं मैं सी और डी, है ना, ए बी सी हो गया, और इसका नाम ए बी सी, डी डी और ई नाम दे देता हूं इसका, डी और ई। अब बड़ा सिंपल सा काम है, आप यहां पर केवल ये बता सकते हैं कि बी सी और डी ई क्या है, समांतर है, और ए सी क्या है, तिरेक रेखा है, ए सी क्या है, तिरेक रेखा है, और जब तिरेक रेखा है ए सी, तो ये वाली तिरेक रेखा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा होगा, बराबर होगा। क्यों क्यों होगा, कारण क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है ना। अभी यहां पर देखना, ये दोनों रेखाएं समांतर है और ये वाली रेखा उसकी क्या है, तिरेक रेखा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे हो गए, ये दोनों कोण बराबर हो गए। आई बात समझ में, क्या हो गए, बराबर हो गए। क्यों,
क्योंकि BC और DE समांतर है और AB इसकी तिरेक रेखा है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, एकांतर कोण हो जाएगा। बस हो गया काम। आपको मालूम है कि इसका इसका और इसका योगफल कितना है, 180 अंश है। क्यों? क्योंकि एक रेखा के एक बिंदु पर एक ही ओर बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये एक तरफ जो बने हैं ना, सबका योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। तो इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर खुद ही, तो हो गया ना, सिद्ध कर दिया हमने। तो ऐसा हम यहां पर सिद्ध कर सकते। पहली बात, किसी त्रिभुज के कोणों का योगफल 180 अंश होता तो हम तो मान लेते, पहले मान लेते कि माना ए बी सी त्रिभुज के शीर्ष है, ऐसा हमने यहां पर मान लिया। अब आप ये बोल सकते हैं कि ये जो इस त्रिभुज की जो बीसी भुजा है ना, बीसी भुजा के समांतर डीई ऐसी रेखा खींचेंगे, बीसी के समांतर कौन सी डीई एक रेखा खींचते हैं जो कहां से होकर गुजरती है, बिंदु ए से होकर गुजरती है, होकर, या तो बोल सकते हैं हम बीसी के सम्मुख शीर्ष ए से होकर गुजरती है, ये शीर्ष है ना, बीसी के सम्मुख शीर्ष है, होकर गुजरती है। समझ में आ गई क्या बात इतनी? अब आपको यह पता चल गया कि बीसी समांतर है डी तथा एसी क्या है, इसकी तिर्यक रेखा है, तथा एसी तिर्यक रेखा है। तब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अब क्या बोल सकते हैं आप, कोण ई ए सी बराबर से कोण ये वाला ए सी बी। अच्छा बताना जरा, कारण बताना क्यों बराबर हो गए, एकांतर कोण है ना, ये नाम बहुत जरूरी है, एकांतर कोण नाम देना जरूरी है, एकांतर कोण है ये। चलिए ठीक है, इसको मैं दे देता हूं समीकरण एक। पुनः बीसी और समांतर है क्या, डीई। आपको मालूम है कि ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर है। तो इसका ये कोण क्या होगा, बराबर होगा, जब ये भी तिरेक रेखा होगी, तथा ये भी क्या है, तिरेक रेखा है। तब क्या होगा, ये वाला कोण डी ए बी इज इक्वल टू कौन सा, कोण ए बी सी। अच्छा क्यों ऐसा हुआ, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, एकांतर कोण है। देखिए, अगर आप पहली बार देख रहे हैं इसको, तो आपको मैं एक बात बता दूं कि हमने जो ये चैप्टर पूरा जब स्टार्ट किया था ना, तब सारी बातें हमने वहाँ पर डिस्कशन की, कोण क्या होता है, रेखा क्या होती है, भुजा क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, सारी चीज़ें जो अभी हम शब्दावली उपयोग में ला रहे हैं ना, कि समांतर है, एकांतर है, ये है, वो है, शीर्ष है, ये सारी चीज़ें हम बेसिक में कवर करते हुए आ रहे हैं। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इससे पहले वाली वीडियो देखेंगे, सारी बातें समझ में आएंगी, सारे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। चलिए ठीक है, आपको पता चल गया कि ये कोण और ये कोण क्या हो गया बराबर। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम ये वाला कोण
और ये वाला कोण, तीनों का योगफल कितना होगा 180 अंश होगा। देखना, कोण डी ए और ये कौन सा है बी है ना, प्लस कोण ये वाला कोण ई ए सी, कोण ई ए सी प्लस ये वाला कोण कौन सा बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर से कितना होता है 180 अंश होता है। होता है क्या, क्यों होता है, क्योंकि एक ही रेखा किसी रेखा के किसी बिंदु पर एक ओर बने कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। 180 अंश होता है, कोई भी रेखा बना लीजिए आप, ये मैंने रेखा बना दी। अब इस रेखा के किसी भी एक बिंदु, कोई भी एक बिंदु ले लीजिए, एक बिंदु ले लिया, इसके एक ओर या तो ऊपर या तो फिर नीचे, एक ओर किधर भी बना लीजिए, एक ओर चाहे जितने भी कोण बना लीजिए आप, सभी कोणों को अगर जोड़ेंगे तो सभी कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। अच्छा अब देखिए डी ए बी का मान कितना है, कहा गया डी ए बी, डी ए बी डी ए डी ए बी, डी ए बी का मान कितना है ए बी सी, और ई ए सी का मान कितना है ए सी बी। समीकरण एक व दो का मान, इसको भी समीकरण दे देता हूँ, समीकरण तीन में रखने पर, तीन इसको दे देता हूँ, है ना। देखिए डी ए बी का मान कितना है, कहा गया डी ए बी, ये ए बी सी, कोण ए बी सी प्लस ई ए सी का मान कहा गया, ई ए सी का मान कोण ए सी बी प्लस कोण बी ए सी बराबर से कितना हो जाएगा 180 अंश होगा, और यही हमें सिद्ध करना था। आ गई बात समझ में, इति सिद्धम ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बढ़िया प्रमेय है और बिल्कुल आसानी से हमने इसको प्रूफ किया, ज़्यादा माता बच्ची करना ही नहीं है इसमें, बस सिंपल ये है कि भाई ये कोई भी एक, जरूर नहीं कि मैंने जैसा डायग्राम बनाया वैसा ही बनाइए आप, जैसे मान लिया जाए ये एक त्रिभुज बनाया तो इस भुजा के समांतर खींच लीजिए, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये एकांतर है। तो जरूर नहीं कि ऐसा ही डायग्राम बनाए, ठीक है ना, तो ऐसा भी आप बना सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। और अब हम इसकी अगली प्रमेय देखते हैं, ठीक है ना। अगली प्रमेय क्या बोलती है, यदि एक त्रिभुज है कि एक भुजा बढ़ाई जाए, चलिए ठीक है देखता हूँ मैं, त्रिभुज जैसा जैसा बोला जाता है वैसा वैसा काम करने की कोशिश करते हैं हम, यहाँ पर देखना एक त्रिभुज बोला है तो ये त्रिभुज बना दिए मैंने। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, बढ़ा देता हूँ मैं एक भुजा कोई भी, चाहो तो इसको बढ़ा दो, चाहो तो इसको बढ़ा दो, चाहो तो इसको बढ़ा दो, नहीं आई बात समझ में, ये त्रिभुज है और एक भुजा को बढ़ा दी जाए, इधर बढ़ा दो, या तो आपको लगता है तो इधर बढ़ा दो, आपको ऐसा लग रहा है कि इधर नहीं इधर बढ़ाना चाहिए तो इधर बढ़ा दो, जिधर बढ़ाना है उधर बढ़ा दो, एक भुजा को बढ़ाना है, अब दोनों इधर तो नहीं बोला है ना, बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना, तो इस प्रकार ये बढ़ा देता हूं मैं, ये बढ़ा दिया, तो इस प्रकार बना बहिष्कोण इसको बोला जाता है, इस कोण को बाहर की ओर है ना भाई, कोई त्रिभुज है तो ये आंतरिक कोण है, अंदर की ओर बने हैं, और बहिष्कोण कब बनता है, जब आप कोई भी भुजा को आगे बढ़ाते तो ये बहिष्कोण, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये बहिष्कोण, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला बहिष्कोण है ना, नहीं इसको आगे बढ़ाएंगे तो वो थोड़ी होगा, इसको आपने आगे बढ़ाया तो ये वाला बहिष्कोण, इसको आगे बढ़ाया तो ये वाला बहिष्कोण, ऐसा बहिष् मतलब बाहर की ओर, ठीक है, बहिष्कोण दोनों अंत अभिमुख यानी कि विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है, अंतः अभिमुख, देखिए ये वाला जो कोण है ना,
अंदर कितने कोण है त्रिभुज के? तीन, दो और ये तीन कोण है कि ना आंतरिक। ये वाला जो कोण है ना, इसके अंतः अभिमुख, अंतः मतलब अंदर, अभिमुख यानी कि इसको छोड़कर जो पास वाला है कोण है ना, इसके पास वाले कोण को छोड़कर इसको बोला जाता है अंतः अभिमुख, दूर वाले भाई इसका, इसके साथ में ये है ना, तो इसका जिधर मुख है उधर बाकी के कोण है ना। जैसे अगर कोई त्रिभुज है और इसको बढ़ा दिया तो इसके अंतः अभिमुख कौन से कोण हो गए? ये वाले हो गए, दूर वाले। तीन ही तो कोण है तो ये तो पास में है, ऐसा समझिए आप, है ना। यदि इसको बढ़ा दिया तो इसके अंतः अभिमुख कौन से हो जाएंगे? आंतरिक, ये वाले। ठीक, क्या बोला है? इसका और इसका योगफल इसके बराबर होता है, ये सिद्ध करना है। ये प्रमेय बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण क्यों है? कि इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक ठीक, कैसे सिद्ध किया जा सकता है इसको, कैसे सिद्ध किया जा सकता है? थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में। क्या होता है, जब तक सोचेंगे नहीं तब तक काम होगा नहीं। ये वाला जो कोण है, इस कोण के और इस कोण के योगफल के बराबर होता है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। देखना, मैं इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी, या तो ऐसा करता हूँ मैं, ये 1, 2, 3 और इसका नाम 4 दे देता हूँ मैं। आई बात समझ में? अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? तो आप बोलेंगे कि 180 अंश होगा। तो क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि ये क्या है, रेखिक युग्म है। देखिए, एक रेखा है और यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, तो कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर से क्या हो गया? 180 अंश। आ गई बात समझ में? इससे पहले वाली प्रमेय हमने सिद्ध की है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। तो आप बोलेंगे कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर से कितना होगा? 180 अंश। आप बोलेंगे कि ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, दोनों के राइट हैंड साइड, ये समीकरण 1 बन गया, ये समीकरण 2 बन गया, दोनों के राइट हैंड साइड क्या है? बराबर है। तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गए? बराबर हो गए। ये हमेशा ही होता है, कई बार हमने डिस्कशन कर चुके हैं कि भाई इसके बराबर ये है और इसी के बराबर और कोई चीज है, तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ऐसे ही ना, राम के बराबर मोहन है, मोहन और राम के ही बराबर सोहन है, सोहन है, तो मोहन और सोहन क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। हो गए कि नहीं हो गए? दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड बराबर हो जाएंगे, या तो राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। ऐसा इसका मतलब ये हुआ कि इसके बराबर ये हो जाएगा कि नहीं? देखिए, कोण 3 प्लस कोण 4 इज इक्वल टू कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, और आप देखेंगे कि कोण 3 से कोण 3 कैंसिल। तो देखिए, 1 + 2 = 4, 1 + 2 = 4, यही तो सिद्ध करना था। आ गई बात समझ में? तो चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन को हम सिद्ध करना, प्रमेय को सिद्ध करना चालू करते हैं। पहले कोई भी क्वेश्चन हो उसका फॉर्मेट समझना है, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा, और फॉर्मेट समझ के फिर उसके बाद में काम करना है। ठीक, और क्वेश्चन पढ़ा और बिल्कुल आनन फानन में बिल्कुल टूट पड़े तो गड़बड़ होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के पहले प्लानिंग कर लीजिए आप, प्लानिंग बहुत जरूरी है। पहले प्लानिंग कर लीजिए कि हम करेंगे कैसा। तो मैंने प्लानिंग कर दी कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि एक त्रिभुज बना रहा हूँ जिसका नाम क्या है, ए बी सी, और बी और सी को मैंने क्या किया, डी तक बढ़ा दिया। ठीक, बढ़ा दिया। इस कोण का नाम दे देता हूँ मैं 1, 2, 3 और इस कोण का नाम दे देता हूँ 4। ऐसा नाम देने से क्या है, लिखने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है ना। ये हो गया और एक कोण ये हो गया। माना जो जो काम किया वही कर लेता हूँ। माना ए बी सी त्रिभुज है जिसकी बी सी भुजा कहाँ तक बढ़ा दी, डी तक बढ़ाने पर।
इसको जब आगे की ओर बढ़ाया तो बहिष्कोण क्या हो जाएगा, कोण चार, तब तब कोण ए सी डी बराबर से क्या हो जाएगा, कोण फोर, ये क्या हो जाएगा, बहिष्कोण हो जाएगा, बहिष्कोण, बहिष्कोण, ठीक है, बहिष्कोण, ये ऐसा बहिष्कोण होगा, ठीक है ना। अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना करना है कि क्या सिद्ध करना है, कि दोनों अभिमुख जो है क्या अंतः अभिमुख कोण, अंतः अभिमुख कोण, ये बहिष्कोण का योगफल ये बहिष्कोण के बराबर होता है। देखिए सिद्ध करना है कि कोण वन प्लस कोण टू बराबर से कितना, कोण फोर, एंगल फोर, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब मुझे ये बताइए कि कोण वन प्लस कोण टू प्लस कोण थ्री बराबर से कितना होता है, 180 अंश होता है। क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि त्रिभुज के, त्रिभुज के कोण, कोण योग, योग गुण से, है ना, योग गुण, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, या यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब हमें ये दिखाना है कि ये वाले जो दोनों कोण का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। क्यों, क्योंकि ये रेखिक युग्म है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि कोण कौन सा है, थ्री और फोर, एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू कितना होगा, 180 अंश। क्यों, क्योंकि रेखिक, रेखिक युग्म से, ठीक, रेखिक युग्म से। अच्छा, इसको दे दो समीकरण एक और इसको दे दिया हमने समीकरण दो, समीकरण एक और दो से दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गए। तो समीकरण, समीकरण एक व दो से, तो समीकरण एक और दो क्या बोल रहा, दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गए। तो कोण वन प्लस कोण टू प्लस कोण थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा कोण थ्री प्लस कोण फोर, है ना, इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर से इसका लेफ्ट हैंड साइड। अब आप देखेंगे कि कोण तीन से कोण तीन कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपके पास में, एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल फोर, और ये क्या हो जाएगा, इति इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण है, है ना, इसका जो त्रिभुज का जो बहिष्कोण है ये क्या है, अंतमुखी, अंतमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है, ऐसा आप यहाँ पर बोल सकते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर दो प्रमेय मिली और दोनों प्रमेय के आधार पर हमें इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, और एक्सरसाइज में छः क्वेश्चन दिए और छः क्वेश्चन पूरे पहले हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे, ठीक है ना, और फिर उसके बाद में कुछ एडवांस लेवल के भी हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। तो अब एक्सरसाइज देखते हैं हम। What?